बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ गद्य पाठ 3 का। ख पर आ गई हूँ। लिखित ख का पहला प्रश्न कराऊंगी, जो विस्तृत प्रश्नों में आता है, 50 से 60 शब्दों का होता है। पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद किन स्थितियों उपनेता प्रेमचंद ने किन परिस्थितियों से अवगत कराया। मतलब कि नेता जो प्रेमचंद थे, उन्होंने पहाड़ी स्थानों के बारे में क्या क्या बताया, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। तो आप उत्तर लिखना शुरू करिए। उपनेता उपनेता प्रेमचंद ने उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए पहली बड़ी बाधा हिंदू इंपाल की स्थिति से कुंभो हिमपात की स्थिति से पर्वतारोहियों को अवगत कराया। पर्वतारोहियों को अवगत कराया उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है, हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह बताया कि कुल बनाकर रस्सियां बांधकर पुल बनाकर रस्सियां बांधकर
तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया, बदलाव के कारण अभी तक किए गए बदलाव के कारण अभी तक का प्रयास व्यर्थ भी हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर लिखेंगे नीचे दिखाई नहीं देगा। व्यर्थ भी हो सकता है, अभी तक की कोशिश जो की गई है वो बेकार भी जा सकती है। तब हमें रास्ता खोलने का प्रयास दोबारा करना होगा। ये प्रश्न उतार लीजिए, संभवतः ये प्रश्न आपने उतार लिया होगा। अगला प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं?
प्रश्न संख्या दो की पुस्तक से उतार लीजिए। बग के अंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही बनाता है। हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। ग्लेशियर के ढहने से अक्सर ग्लेशियर के ढहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। इससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के गिरने की संभावना रहती है। धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर प्रकार पर्वतारोहियों को कठिनाई
प्रश्न को भी उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? जैसे गिरा था, तहस नहस हो गया, चोट लगी, कुछ एक घायल हो गए। तो चलिए प्रश्न का उत्तर भी लिखिए। उत्तर नंबर तीन, गहरी नींद में सोने के एक रात बजे के लगभग के आसपास आसपास लगभग सबके पिछले हिस्से लगभग सिर के पिछले हिस्से से किसी सर्प जीव से किसी सर्प जीव के टकराने सर्प जीव के टकराने से गई। साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ। Yeah.
स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, लगा साइड तक आपको शायद ना दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है अब आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रफ करते हैं इसको, अगर कुछ लिखते हैं है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। जब लेखिका का जय लेखिका का पर्वतारोही Thank you.
के साथ उसको भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप तक पहुंचने में Thank you.
से क्वेश्चन भी हो गया है, संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इस पर और एडजस्ट कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चार क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं जिसको मैं अपने अगले वीडियो में कराऊंगी। तो आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।